हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान जेई का 18 मई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है दोस्तों, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए लगभग 40 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस, पूरा पेपर तो हमको नहीं मिल पाया है, लगभग इसमें हमें 40 से 41 ही क्वेश्चन मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर वाघ रिजर्व बनने जा रहा है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी। चिकनी कोतली है। तो चिकनी कोतली है गाइस, ये शादी की एक रस्म होती है चिकनी कोथली, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, हूं गोरी किस पीड़वी उपन्यास के रचयिता कौन है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यागवेंद्र शर्मा चंद्र। चौथा क्वेश्चन है गाइस, ग्रियनसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है। ग्रेसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है, अहिरवाटी, बागड़ी, टिंगल, निमाड़ी। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। पांचवा क्वेश्चन, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, तो भेड़ की खेरी नस्ल ये कहां पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है जोधपुर, नागौर, पाली में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवन, निवास और आहू सहायक नदियां हैं, तो परवन, निवास और आहू ये किसकी सहायक नदियां हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काली सिंध की, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मंडल 1921। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है, तो बूंदी की कजली तीज का त्योहार ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाद्रपद कृष्णा थर्ड को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है, अगर आप लोगों को मालूम तो कमेंट करके बता सकते हैं। अनुच्छेद 343 फा में क्या वर्णित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आहड़, एसपी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। विपक्ष का नेता, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विपक्ष का नेता, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, क्वेश्चन है गाइस, बर्मा झोरावा लोकगीत का संबंध कहां से है, तो झोरावा लोकगीत का संबंध किससे है। तो गाइस झोरावा लोकगीत का संबंध जैसलमेर से, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। चौदहवां क्वेश्चन देखेगा, डुंडलोध किसके लिए प्रसिद्ध है। डुंडलोध, सो गाइस डुंडलोध जो है सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। पंद्रहवां क्वेश्चन, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 269,028.16 किलोमीटर, सॉरी 269,028.16 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH 8 पर अवस्थित नहीं है? नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गाइस। गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH 8 पर अवस्थित नहीं है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका, पाली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है? तो दुगारी किले की चित्रकला ये संबंधित है अलवर शैली, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट ये कहां पर स्थित है? तो चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेलेटर प्लांट जो है गाइस, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलत था, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलत था संस्कृत कॉलेज का, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 56.43। 21वां क्वेश्चन, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में लड़ा है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का बेलोर कहते हैं? निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का बेलोर कहते हैं? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भैंस रोटगढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गंगानगर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? सवाई राम सिंह सेकंड, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? 25वां क्वेश्चन, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका भाकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेपवट्टा। अगला क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 27वां क्वेश्चन, 1 जून 1993 को, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 28वां, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रयुक्त तो हुआ? 14 नवंबर 2011, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किराडू मंदिर झालावाड़। अगला क्वेश्चन, सुधा प्रबंध किसने लिखी? सुधा प्रबंध किसने लिखी है? तो सुधा प्रबंध जो है गाइस, ये कुंभा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? भारत का कितना सतही जल जो है वो राजस्थान से मिलता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1.16%। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? 32 क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज राइट, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। 33वां क्वेश्चन देखिएगा, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? कौन सी परियोजना तैयार की गई है? ब्राह्मणी बनास, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुकुंदरा पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? 35वां क्वेश्चन, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? 36वां क्वेश्चन, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, VSHW जयपुर। 37वां क्वेश्चन, दादूपत में सत्संग स्थल कहलाता है?
ये कहलाता है अलख दरीबा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिलाड़ी माता जासोल बाड़मेर। 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दुविधा कहानी जिस पर फिल्म बनाई गई है किसने लिखी है। दुविधा कहानी जिस पर फिल्म बनाई गई है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी गई है विजय दान देथा के द्वारा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाया है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। यदि एच शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई है तो एक आयताकार पायदान पर निर्वहन सीधे अनुपातिक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।